नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 22 जून को शिमला में भारतीय अनंत अध्ययन संस्थान में ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता से 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले प्राप्त किया। उन्होंने मशाल रिले के लिए एक नई परंपरा शुरू करने की पहल करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है, जिस चेस की शुरुआत यानी कि शतरंज की शुरुआत भारत से हुई और भारत में इस प्रकार का इवेंट होस्ट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, ये स्वागत योग्य है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। हमारे केंद्रीय युवा सेवाओं के मंत्री, जिनका हिमाचल से ही हमारे ताल्लुक है, श्री अनुराग ठाकुर जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन सबके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी दो जगह, शिमला और धर्मशाला में ये टॉर्च जाएगी, और उसके साथ साथ में जो मेज़बानी करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अभी तक की चेस की इस इवेंट में जो पार्टिसिपेशन ओलंपियाड के रूप में 187 कंट्रीज की हो रही है, जो अभी तक की हाईएस्ट है। और उस दृष्टि से जहां हम अमृत महोत्सव पूरे देश का मना रहे हैं, 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे होने पर, उस अवसर पर 75 जगह इस इवेंट को, इस मशाल को ले जाने का एक निश्चय किया है। और अंत में इसको महाबलीपुरम को में 28 जुलाई को इसको पहुंचाएंगे। उस दृष्टि से इस सारी चीज़ को लेकर के आज मुझे भी इसमें आकर के इस कार्यक्रम में यहाँ आने का मौका मिला। और आज हमने मशाल जो है वो, जो हमारे चैंपियन इसमें रहे हैं, ग्रैंड मास्टर रहे हैं, उनके यहाँ उनको समर्पित करने का, प्रदान इसको देने का मौका मिला है। और मैं इस सारे इवेंट के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ सभी हमारे खिलाड़ियों को भी। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।